फ्री इवेंट है, खाना नहीं करवा सकते, अरे ऊपर चढ़ जाते हैं। और जिस बात का मम्मी को डर था वही हुआ, मेरे बचपन की यादें ताजा हो गई। इस लेवल पे कनाडा को पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे, तो एक एक सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं हॉल बुक कराने, जो पुणे में हमने सेमिनार करना है। सो उसकी बुकिंग जो है रेजिडेंट्स को मिलती है, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए। मम्मी जी यहीं रहती हैं बिल्डिंग में, तो हमें मिल जानी चाहिए बुकिंग। एंड टोटल 50 बंदों की कैपेसिटी है, तो ट्राई करेंगे कि 50 बंदे ही आए, ज़्यादा ना हो, क्योंकि 50 चेयर ही है। और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग खाना वगैरह भी ऑर्डर करना पड़ेगा। मिल जाए बस, खाना नहीं, बड़ा पाव फ्री इवेंट है, खाना नहीं करवा सकते, बट स्नैक्स एंड चाय होगी। और यहाँ के ना आम भी बहुत फेमस है पुणे के, है ना? कौन कौन से, दिलप्रीत बता रहा था, सिंगरी और पता नहीं क्या कुछ कुछ है। तो यहाँ पे जगह जगह पे एक तो कोकोनट के पेड़ लगे हैं और आम के। तो मम्मी यहाँ से जब भी जाते हैं दिखाते हैं कि आम लगे हुए हैं, तो गिरेंगे तो पक के तो खा सकते हैं। देखो देखो देखो, बच्चे छोड़ते नहीं है, बच्चे के पत्थर मार के अरे ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा, देखो कहाँ लटका है। और नारियल भी ऐसी करते हैं, नारियल भी, हाँ। और सुपारी लगी है हमारे सोसाइटी में ना, उसको जो भी आता है पेड़ को ऐसे हिलाएगा, हाँ। और वो एक दो सुपारियाँ नीचे गिरती है, हाँ। फिर ले जाते हैं। सही। जिस बात का मम्मी को डर था वही हुआ, हॉल ऑलरेडी बुकड है, हमने पहले नहीं कराया, बट मैं बुक कराना चाहता था देख के कि कितने लोग आ रहे हैं, बिकॉज अगर 10-15 ही लोग आ रहे होते तो हम कहीं भी कर सकते थे, पैसे खर्च करके हॉल बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अब शायद हमें बैंक्वेट हॉल या कुछ और बुक कराना पड़ेगा, जो कि थोड़ा कॉस्टली होगा। तो फ्री इवेंट है, ज़्यादा आउट ऑफ बजट भी नहीं जा सकते। लेट्स सी कितने पैसे मांगते हैं 2-3 घंटे के लिए, बिकॉज स्नैक्स वगैरह भी करवाना है और हॉल भी है, माइक वगैरह भी चाहिए होगा। एक पास में ही छोटा सा मॉल है, वहाँ देखते हैं। तो एक बैंक्वेट जो हॉल देखना था वो भी बुक था, बट उनका एक कैफ़े है ये छोटा सा, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं 50 लोग आ सकते हैं, और थोड़ा सही भी है, क्लोज्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है हॉल, और आई थिंक ये पार्टीज़ वगैरह करते रहते हैं, मीट एंड ग्रीट टाइप्स, तो इनको आइडिया है, माइक भी दे रहे हैं, तो अच्छा है सेटअप। चेयर थोड़ा ये करेंगे सेटअप इस तरीके से कि मेरी तरफ फेस हो जाए सबका, और वर्जन मुझे तो हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसा है, अगर नहीं होगा फिर हम ड्रिंक चेंज कर देंगे। जो बैंक्वेट हॉल हमें नहीं मिला वो ये वाला था, ये अच्छा है, मतलब एसी यहाँ पे किसी हॉल में नहीं होता। आई डोंट नो, जो हमसे हमारे हाथ से निकला उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, अंदर वाले में भी नहीं है, बट वो कह रहे हैं हम फ्लोर फैन लगा देंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा लोगों के लिए है, बर्थडे पार्टीज वगैरह के लिए, तो कैफ़े बेस्ट है। ये ऑलरेडी बुकड है वाला, बट अच्छा हॉल है 100 लोगों के लिए, है ना? सही लगा फिर आपको हॉल? हाँ, नहीं बंदा भी सही लग रहा है, हाँ। आगे देखो, अभी तक तो सही कर रहा है, अकोमोडेट कर रहा है सब कुछ, सिटिंग वगैरह भी लगा रहा है, माइक भी दे रहा है। कल पता चलेगा, आई होप सब टाइम पे आ जाए, बिकॉज हमें 2-2.5 घंटे के लिए मिला है सिर्फ। तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पुणे में। मम्मी बता रही कि यहाँ पे मोस्टली सारे गेहूँ लेके पिसवाते हैं, चक्की है यहाँ पे, उससे पिसवाते हैं, मतलब मॉल से भी गेहूँ ले रहे हो। डिफरेंट है थोड़ा, दिल्ली में इतना नहीं है कॉन्सेप्ट, है ना? दिल्ली में तो लोग थैलों का लेते हैं, आटा लेते थे ना आप डायरेक्टली, वहाँ पे भी चक्की से ऑर्डर कर दो, वहाँ से आ जाता था एमपी का आटा। और इसमें आप मिक्स भी करवा सकते हो, बेसन मिक्स करवाना है कुछ और में। आटे की चक्की मशीन देख के ना मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मुझे याद है बहुत छोटे होते थे ना, तो हमारे वहाँ पे भी जो सोसाइटी थी वहाँ पे एक चक्की वाली थी, बहुत फेमस थी, वो लैंडमार्क था। उससे बोलते थे चक्की वाले से लेफ्ट ले लो, चक्की वाले से राइट ले लो, और जो स्मेल वहाँ पे आती थी वही यहाँ पे आ रही थी। फ्रेश आटा वहाँ से मिलता था, उसमें मिक्स करवाते थे, बेसन का मिक्स कर दो, चने का मिक्स कर दो। मेरे को आप बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे ना लोगों का सिस्टम, कि चाहे 2 किलो भी लेते हैं ना तो आटा पिसवा के लेके जाते हैं, हाँ। कोई तैयार आटा किसी से नहीं लेता। और अब हम पीने जा रहे हैं गन्ने का रस, जो कि गर्मियों में ऐसी चिलचिलाती धूप में पीने का मजा आता है। हाय हाय, इतना सुकून कनाडा में अगर मिल भी जाता है ना तो पीने का मजा नहीं आता, ऐसे गर्मी में पीने का बहुत मजा आता है, पेट भर जाता है बिल्कुल। मेरे को ना थोड़ी हैरानगी हो रही है। ऑल्दो 2 साल पहले भी बहुत जगह पेटीएम के ये लगे हुए थे, गन्ने का जूस हमने पिया उसकी पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं। और हम मॉल में गए हैं, वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है ना, मशीन के अंदर बारकोड आ रहा था, मैं वो एक दिखा दूंगा, तो वहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। वाली राम यादव 120 रुपए, और स्पीकर लगाओ, स्पीकर में बोल रहा है 120 रुपए आ गए। मतलब मम्मी कह रही है कि मैं तो क्रेडिट कार्ड लेके नहीं जाती कहीं पे, सब जगह पेमेंट हो जाती है पेटीएम से, राइट? कैश नहीं लेके जाते, कैश नहीं लेके जाते, सब जगह पेमेंट। गन्ने का जूस पियो, इनफैक्ट जो मांगने वाले होते हैं उनके पास भी कोड होता है। अगर उनको बोलोगे खुले पैसे नहीं भैया आगे चलो, कहेगा ये लो जी पेटीएम कर दो। इस लेवल पे कनाडा को पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे, 10 से ज्यादा ही लग जाएंगे। अब आटे की चक्की है उसके पास भी पेटीएम होगा, हाँ पेटीएम कर दो। कितना सही है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई वापस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जो जूस बना रहे ना भैया वो गोरखपुर से हैं, बिहार से, तो कह रहे आप डाल दो, मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, तो एक एक सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ा रहे हैं हम। थैंक यू, आप भी सब्सक्राइब करो, ऐसे बढ़ाने पड़ रहे हैं हमें सब्सक्राइबर। यहाँ भी पेटीएम से पेमेंट होती हुई। आज मनप्रीत जी ने घर पे बुला के मसाज करवाई थी और आरव की भी हुई है, तो मैं मनप्रीत से पूछूंगा कि मेक्सिको, कनाडा, बाली और पुणे की मसाज सबसे बढ़िया कौन सी लगी है? देखो मेक्सिको, कनाडा, बाली अपनी जगह है, वो बाहर जो डिफरेंट टाइप की होती है, ये तो घर पे बुला के देसी मसाज होती है ना, ये इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ जी, तब कान को बताते हैं ना तो अच्छा लगता है कान की। और मेरे साथ साथ इसने और उसने दोनों ने मसाज कराई है, बच्चों की भी करके गई मसाज, जो घर पे जैसे आंटी आती है तो वैसी वाली थी, देसी टाइप मसाज थी, अच्छा लगा काफी, एंड बहुत रीजनेबल थी। 300 रुपीज पर आवर था चार्ज, एंड दोनों बच्चों की भी कराई है तो सही रहा। एंड अब शाम को हम एंजॉय कर रहे हैं स्नैक्स विद व्यू, मम्मी के फेवरेट, मम्मी के स्पेशल, मम्मी के फेवरेट नहीं मेरे फेवरेट है जो इसकी मम्मी बनाती है, आलू बॉन्डे, ब्रेड रोल, ब्रेड रोल। तो आई डोंट नो क्या रीजन था, बट कनाडा में उन्होंने बनाए थे, यहाँ पे मैंने बोला सबसे पहले ये बनाओ आलू बॉन्डे। और व्यू है यहाँ पे बिल्कुल मिल्टन वाला व्यू, माउंटेन व्यू, पहाड़ी में बैठ के और पहाड़ी का व्यू लेते हुए ब्रेड रोल खाएंगे पुणे। वॉक तो आप रात को कनाडा में भी करते ही हो, बट जो मजा यहाँ पे है वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट? इनकी सोसाइटी में ये है कि 11 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती है पार्क की, सो वो कहते हैं घर जाओ सो जाओ, सो वी स्टिल हैव हाफ एन आवर। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी, नीचे पार्क है, बच्चे खेल रहे होते हैं, थोड़ा अच्छी वाइब आती है। थोड़ी गर्मी है तो थोड़ी ठंडी हवा चल रही होगी इस टाइम, तो जाके एंजॉय करते हैं। आरव ऑलरेडी आया हुआ नानी के साथ नीचे, उसको स्विंग्स पे हमने बिठाया हुआ 1-2 बार, बट यहाँ पे स्लाइडिंग वाले जो हैं झूले, वो फर्स्ट टाइम उसने यहाँ ट्राई किया, उसको बहुत मजा आता है, वो बहुत एंजॉय करता है यहाँ पे आके। ये देखो पकड़ लिया तो हमने, अब हमें छोड़ के आगे थे। आराम से पीछो पकड़ेगा। नेक्स्ट डे, सो हमारा इंडिया का पहला मीटअप आज होने जा रहा है पुणे में। कितनी बार हम इंडिया आए हैं, फर्स्ट टाइम मीटअप कर पा रहे हैं, बिकॉज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हम लेके आए हैं, एंड पुणे में हो रहा है मीटअप। अराउंड 50 लोग आ रहे हैं, तो ये भी थोड़ी देर में आएगा, बट अभी हम देखने जा रहे हैं क्या वहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट्स हो गई नहीं हो गए हैं, चेयर्स हमारे अकॉर्डिंग लगा दी नहीं लगा दी, स्नैक्स रेडी नहीं है। फिर जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे और जो लोगों का यहाँ पे परसेप्शन होगा कनाडा के बारे में, या फिर जो उनको आंसर भी करेंगे, वो हम थोड़ा सा क्लिप डाल देंगे। पूरा वीडियो हमारे इमिग्रेशन वाले चैनल पर डल जाएगा, सो लेट्स सी कैसा होता है। सो आ गए हैं, सेटअप कर दिया इन्होंने, अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पेशियस हॉल है, एंड बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं हमारे वो आना शुरू हो गए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए लोग, जगह बता रहे हैं तो हमें ऐसे पता नहीं चल रहा, इट्स मोर ऑफ के कितने दूर से आए हैं, तो हम बोलते हैं आप कितना टाइम लगा आपको आने में, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कितना दूर से लोग आते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो हमें बैंक्वेट हॉल नहीं मिला था वो अब हमें यहाँ पर मिल गया, बिकॉज इसमें स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो यहाँ पर सेटअप करवा रहे हैं। तो हमें ये आइडिया लगा कि कनाडा की बुरी हालत नहीं है आफ्टर कोविड, सब जगह ही ऐसा ही है। थोड़ी सी स्लाइटली मैं बोलूँगा कनाडा की थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इनको चैलेंज आ रहा है जो पार्ट टाइम जॉब, फैक्ट्री जॉब और लेबर जॉब में है, बिकॉज उसका ज़्यादा इतना इन्फ्लक्स हो चुका है कि एक जॉब के लिए फॉर एग्जाम्पल एक टिम हॉर्टन्स में अगर जॉब निकलती है 1000 बंदे अप्लाई कर रहे हैं। कनाडा में अगर जॉब्स की शॉर्टेज है, दे विल नॉट प्रेफर समवन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, वो कहेंगे कि हम यहाँ से किसी को जॉब दे जिसको नहीं मिल रही, जिसके पास पीआर है। कैनेडियन एक्सपीरियंस वाला जो चैलेंज है वो धीरे धीरे अब कम हो, बिकॉज पीपल आर रेजिंग वॉइस कि हम यहाँ पे भी तो यूएस कंपनीज के साथ काम करते हैं, हम इंग्लिश में बात करते हैं, कॉल्स लेते हैं, सो व्हाई डज कैनेडियन एक्सपीरियंस मैटर। तो मीट एंड ग्रीट वो सक्सेसफुल, मोस्टली लोग पहुंच गए थे, थोड़े से लोग नहीं आ पाए बिकॉज गर्मी आज बहुत ज्यादा थी। बट जितने भी लोग आए बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किए, वो आपने थोड़े से क्लिप्स मैंने इससे पहले डाल दिए थे, उसमें देख सकते हो। बट कुछ लोग ऐसे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, और उनका नाम तो मैं पता भी है, राज लक्ष्मी, वो भी स्पेशली आए थे। और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो आसपास ही रहते हैं, उन्होंने हमें हॉल बुक करने में बहुत गाइडेंस दी, सो थैंक यू सो मच। थोड़े से गिफ्ट भी आए हैं, तो स्पेशल कुछ गिफ्ट आपको दिखा देते हैं जो हमें बहुत सही लगे, उन्होंने पर्सनलाइज करके दिए हैं बिकॉज वो सारे वीडियो देखते हैं, तो नए घर के लिए भी कुछ कुछ आइटम्स दिए हैं। खोले तो स्वीट नहीं, अभी मैं खोल रही हूँ बट। और मम्मी से भी लोग मिल रहे थे, फोटो वोटो खिंचवा रहे थे, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने हमें भी पहचान लिया, तो हमारे साथ भी फोटो खिंचवाई, भाई हम भी सेलिब्रिटी बन गए अपने बच्चों की वजह से। चलो दिखाओ, सबसे जो बढ़िया हमें लगा है पर्सनलाइज, बढ़िया सारे हैं बट उन्होंने खुद कह रहे कि आज ही मैंने इस पे करा है, और इनका एक पेज भी है वो हम इंस्टाग्राम पे टैग कर देंगे। बहुत ही सुंदर कनाडा कपल लिखा है, एम्ब्रॉयडरी करी है, सो बहुत सुंदर है। सो उन्होंने कहा था इसका फ्रेम करा सकते हो, तो फ्रेम उन्होंने इसलिए नहीं करवाया बिकॉज लेके जाना है हमें फ्लाइट में, तो वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। तो यूट्यूब का भी उन्होंने साइन बनाया, प्रॉपर कनाडा कपल लिखा, बहुत सुंदर है ये, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एंड जो राज लक्ष्मी उन्होंने घर के लिए स्पेशल गिफ्ट दिया कि कह रहे हैं आप एंट्री पे लगाना, तो जब हाउस टूर हमारा आप देखोगे वो पक्का एंट्री पे लगा होगा। हाँ, सो कह रहे हाथी है, सो आई थिंक विल जस्ट कीप इट बॉक्स अभी क्योंकि लेके जाना है कनाडा। सो थैंक यू सो मच। एंड एक बहुत ही प्यारी बच्ची आई थी जो स्पेशली आरव के लिए गिफ्ट लेके आई, सो नितारा आई थी, एंड वो थकी भी हुई थी, ऑलरेडी सुबह हो कहीं और गई थी, तो वो उसके लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आई। दैट्स सो क्यूट, थैंक यू सो मच नितारा। आपने कुछ बोलना है? नहीं। इसको अनबॉक्सिंग करने में मजा आता, तो ये आरव का गिफ्ट खोलेगा, खोलो। एंड कल लास्ट डे है पुणे में, और कल कहीं थोड़ा बहुत घूमेंगे, फिर उसके बाद बैक टू दिल्ली, फिर दिल्ली का मीटअप अनाउंस करेंगे बहुत जल्दी। खोल भी दिया उसने, चलो। भाई के लिए आया है, भाई खोलूंगा। हाँ, दिखा दो, दिखा दो पूरा, वो खोल के उसको प्रेजेंट करेगा वहाँ पे। अच्छा, वेरी नाइस, ये शेप्स वाले बॉक्सेस हैं। बच्चे दोनों डायपर में है, तो हम अभी उनका शॉट नहीं ले सकते। सी यू टुमारो, गुड नाइट।